तो फिर 200 रुपए कर दीजिए ना सीधा पेट्रोल, बात ही एक बार खत्म करो। सीएनजी बढ़ गई, पीएनजी बढ़ गई, बचा क्या है आप मुझे ये बताइए ना। 70,000 करोड़ के नाम पर 23,00,000 करोड़ रुपए आपने एक्साइज में कमा लिए और 70,000 की दुआई देते रहे। आज की वीडियो में बात न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की करेंगे। संदीप अक्सर जनता से जुड़े मुद्दे अपने डिबेट्स में उठाते हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता क्या जवाब देते हैं जब उनसे जनता के जुड़े मुद्दों पर सवाल होते हैं। न्यूज 24 पर लखीमपुर की घटना को लेकर संदीप ने भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया। सवाल को गोलमोल करने लगे तो एंकर ने भी अपने सवालों में उन्हें घेरा और सही से जवाब देने को कहा। मुख्य आरोपी रौन दिया, कुचल दिया जिसने, वो आरोप तो आशीष कुमार मिश्रा मोनू पर लगे हैं और उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं। हाँ, आरोप लगे हैं ना, आरोप लगे हैं। आप क्या चार्जशीट लगा रहे हैं क्या? आपने ट्रायल कर दिया, आपने सजा दे दी ना। आप क्या चाहते हैं कि आशीष मिश्रा? आप हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की ताल ठोकते हैं, नैतिकता का तकाजा आप गिनवाते हैं इस बात को। उसी हवाले से सवाल पूछ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र से नहीं पूछ सकते क्योंकि गृह मंत्री वहां से फरार है महीनों से। आप वहां पर उद्धव ठाकरे से नहीं पूछ सकते, आप प्रियंका वाड्रा से नहीं पूछ सकते कि गांधी जी की प्रतिमा के पास मौन धारण कर रही है जाकर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती। शिवसेना से आप नहीं पूछ सकते कि तुम किस नहीं पूछ सकते, अभी से मन बना लिया आपने कि नहीं पूछ सकते। आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस फरार है, आप सभी पूछ रहे हैं, नहीं तो आप महाराष्ट्र में नहीं पूछ रहे। हाँ देखिए, आप लगातार उधर ही जा रहे हैं। समन दिए जाते हैं 7 तारीख को लेकिन गिरफ्तारी 9 तारीख को देर रात में जाकर होती है, और क्या हुआ इस पर सवाल ना पूछे जाएं। न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल भाजपा के प्रवक्ता से किया जिस पर वे सरकार का खर्च गिनाने लगे। इसके बाद संदीप ने बढ़ते टैक्स पर भाजपा प्रवक्ता को घेरा। राजीव जेटली, मतलब और कितनी सहे पेट्रोल डीजल की मार? सवाल बिल्कुल सीधा है। संदीप जी, आप तो उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं, हमें पता है कि हम यहाँ से लेकर के मेरठ तक जाने में एक प्रोजेक्ट होता था, 3.5-4 घंटे तक भी मेरठ जाने में लगते थे, जो सफर आज आपका लगभग 35 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। चीज बताइए, कितनी जगह आप कि जी हम सड़क बना रहे हैं या जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं उस नाम पर, तो फिर 200 रुपए कर दीजिए ना सीधा पेट्रोल, बात ही एक बार खत्म करो। देखिए, एक पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर डिबेट होगी तो इसका नहीं, पेट्रोल डीजल पर क्यों? 305.50 रुपए बढ़ गए गैस की कीमत, सीएनजी बढ़ गई, पीएनजी बढ़ गई, बचा क्या है आप मुझे ये बताइए ना। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे थे। बहुत पीछे का मतलब अगर हम अपने तो आम आदमी की कितनी जेब कटेगी। न्यूज 24 पर लखीमपुर घटना पर हो रही सियासत पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने जब प्रवक्ता से गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर सवाल किया तो प्रवक्ता कांग्रेस पर इल्जाम लगाने लगी, लेकिन एंकर ने उन्हें टोककर इस घटना पर ही जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट जब सरकार को और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, कहती है जिम्मेदारी करिए, जिम्मेदारी से जांच कीजिए, जांच से हम संतुष्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल है। आप डंके की चोट पर कह रही है ना कि इंसाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा एतबार क्यों नहीं कर पा रहा है? मेरा सवाल ये है संग, इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण दिया तो इनको याद दिला दूं, कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ से पुलिस घसीटते हुए लेकर गई थी और जेल की सलाखों के पीछे बंद किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरमान आने से पहले। एक सेकंड, नहीं, नहीं, आपने एक बहुत अच्छे उदाहरण दिए संजू, तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है जो विपक्ष पूछ रहा है और किसान आंदोलन वाले भी पूछ रहे हैं कि अगर गृह राज्य मंत्री जिनके कांधों पर जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है वो अपने पद पर बने रहते हैं तो ये गिरफ्तारी या जांच क्या होगी या खातिरदारी होगी? बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल भाजपा प्रवक्ता से किया जिस पर भाजपा प्रवक्ता सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करने लगे तो एंकर ने उन्हें सुना दिया। पिछले साल जब $19 आपने माना कच्चे तेल की कीमतें गई थी तो तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो सकते थे, तब आपने एक मुश्त 10 रुपए और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जो आज तक नहीं घटी है, इस बात को भी मानिएगा। लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं, निर्मला सीतारमण जी ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ब्यौरा दिया था कि किस प्रकार से जो ऑयल बॉन्ड्स 2013 में यूपीए की सरकार ली थी उसके रीपेमेंट का एक पूरा ब्यौरा दिया था जिसमें कितना दोबारा से एक बार बताइए ना दर्शकों को, दर्शक भूल जाते हैं, कितना लिया था?
नहीं मैं बता देता हूँ आपको, नहीं पता तो अगर आप मुझे एक सेकंड का वक्त, 1,34,000 के ऑयल बॉन्ड्स थे और अब तक कुल मिलाकर 70,000 के करीब की पेमेंट हुई है ब्याज के तौर पर, 70,000 करोड़ के नाम पर 23,00,000 करोड़ रुपए आपने एक्साइज में कमा लिए और 70,000 की दुहाई देते रहे। एक बहुत बड़ा अवरोधक साबित हुआ है एक्साइज ड्यूटी को कम करने में। ये आपको संदीप की डिबेट्स कैसी लगी, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।